नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मकर संक्रांति पर्व का महत्व और उसको जानने से लाभ। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य सभी आवश्यक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जो ज्ञान उसे अधिक महत्वपूर्ण लगता है उसे स्मरण रखते हुए उससे लाभ प्राप्त करने में उसकी प्रवृत्ति बनती है। हमारे अनेक पर्व हमें उनके महत्व से परिचित कराते हैं, जिन्हें मनाकर हम उससे यथोचित लाभ लेने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व भी ऐसा ही एक पर्व है, जिसके यथारूप से परिचित होकर हमें ज्ञात होता है कि इस पर्व से उत्तरायण 6 मास के काल का आरंभ होता है। इससे हमारे दिन के समय में वृद्धि होती है और रात्रि के अंधकार की अवधि में निरंतर कमी होती जाती है। महाभारत के दिनों में उत्तरायण में ही हमारे क्षत्रिय और अन्य लोग अपने प्राण त्यागने को महत्वपूर्ण मानते थे। अजय योद्धा भीष्म पितामह के जीवन का उदाहरण है कि जब तक उनका समस्त शरीर अर्जुन के बाणों से बिंध गया था, उनकी मृत्यु निकट ही थी, तब उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य और तप के बल से अपने प्राणों और आत्मा को उर्ध्वगति के लिए उत्तरायण के आगमन तक रोक रखा। इसका कारण यही था कि उत्तरायण में प्राण त्यागने पर मनुष्य की उत्तम गति और मोक्ष की प्राप्ति की संभावना होती है। उत्तरायण के प्रथम दिन मकर संक्रांति के दिन ही यह पर्व अज्ञात दीर्घ अवधि से मनाया जा रहा है। इससे हमें आकाश में होने वाली ज्योतिषीय घटना का ज्ञान भी होता है। यदि यह पर्व ना मनाया जाता होता तो जन सामान्य मकर संक्रांति की घटना से शायद परिचित ना होता। अतः मकर संक्रांति मनाते हुए हमें मकर राशि और सूर्य के उसमें प्रविष्ट होने सहित इस पर्व के दिन के समय में रुद्र और रात्रि के समय में कमी होने की वास्तविकता को समझना चाहिए। अर्थात जो है दिन में इसमें वृद्धि होती है और रात्रि के अंधकार में कमी होती है, और महाभारत के समय में जो है हमारे क्षत्रिय और महायोद्धा जो है वो इस बात पर जोर देते थे कि इसी समय प्राण को त्यागें अपने, और पितामह भीष्म ने तक महाभारत के जो अतुलित योद्धा रहे हैं उन्होंने अपने प्राणों को इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, जब वो अर्जुन के बाणों से पूरे बिंधे हुए थे, रोके रखा अपने ब्रह्मचर्य और तप के बल से। और इसका पर्व का ही महत्व था कि इसके कारण हमारे सामान्य जीवन में यह बात घुल गई और हमें वास्तविक इस बात का अनुभव लगातार रहा कि ऐसी कोई खगोलीय घटना होती है और ऐसा कोई घटनाक्रम घटता है, वरना लोग भूल जाते हैं इस बात को। इसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। यदि मकर संक्रांति के दिन, इसके बाद की रात्रि भी समय वृद्धि और दिन के समय में कमी का क्रम पूर्वज जारी रहता तो इससे मनुष्य जीवन का अस्तित्व और बाधाएं समस्याएं आती। अतः इस लाभकारी परिवर्तन को हमें दिन हमें प्रसन्नतापूर्वक ज्ञान से पूर्ण परंपरा को अपनी भावनाओं को स्थिर कर मनाना चाहिए। अर्थात जो है इसके बाद लगातार जब दिन में वृद्धि होती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन अच्छा आता है, अगर ऐसा नहीं होता तो परिवर्तन व्यवस्थित रूप का नहीं आ पाता। इसीलिए इस दिन को मनाया जाना चाहिए, अपनी परंपरा में शामिल करना चाहिए। इस लेख में हम मकर संक्रांति विषय कुछ जानकारियां प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हुए परिक्रमा करती है, इसी से रात्रि, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा और चक्र पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगता है, इसे सौर वर्ष कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक वर्तुलाकार परिधि में करती है, इससे जो व्रत बनता है उसे क्रांति व्रत कहते हैं। हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने इस क्रांति व्रत पर 12 भाग कल्पित किए हुए हैं। इन 12 भागों के नाम उन्होंने आकाशीय नक्षत्र पुंजों की कुछ पशुओं से मिलती जुलती आकृतियों के अनुरूप, जिन्हें राशियां कहते हैं, दिए हैं। यह आकृतियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन आकृतियों के समान नक्षत्र पुंजों की आकृतियां होने के कारण ही इन राशियों को यह नाम दिए गए हैं। सूर्य का भ्रमण परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट होती है तो उसे संक्रांति के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या हो रहा है, अर्थात जो है हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने क्या किया कि सूर्य पृथ्वी के चारों, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसी से दिन रात हफ्ते और महीने वर्ष हो रहे हैं। तो इस परिक्रमण काल को उन्होंने, जब 1 वर्ष का जो समय लगता है इसे सौर वर्ष कहा जाता है, इसे वर्तुलाकार परिधि में घूमती है तो इसे व्रत को क्या कहते हैं, जिस परिधि में घूमती है, क्रांति व्रत। क्रांति व्रत के ऊपर 12 कल्पित भाग बनाए, इसे अक्षांतर नहीं बनते, वैसे 12 कल्पित भाग उस पृथ्वी के घूमने से सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं जो क्रांति व्रत बनता है उसे क्रांति व्रत कहते हैं। और इस क्रांति व्रत, काल्पनिक क्रांति व्रत जो है उसमें 12 भाग बनाए हैं, और इन 12 भागों को पशुओं की जो मिलती जुलती आकृतियाँ हैं वो दी हैं और 12 राशियाँ बनी हैं। अब 12 राशियों को इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये नक्षत्र पुंजों की आकृतियों के समान होने का कारण ये नाम दिए गए हैं।
जब सूर्य परिक्रमण करता है, सूर्य का परिक्रमण करती है पृथ्वी और एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट करती है, तो उस काल को क्या कहा जाता है? संक्रांति कहा जाता है। संसार में पृथ्वी के एक राशि से दूसरी राशि में संचरण व प्रविष्ट होने को सूर्य का संक्रमण कहने लगे हैं। 6 मास तक सूर्य संक्रांति व्रत के उत्तर में उदय होता है और 6 मास तक क्रांति व्रत के दक्षिण भाग में सूर्य का उदय होता है। अर्थात जो क्रांति व्रत है उसके 6 मास तक उत्तर में और 6 मास तक दक्षिण में प्रविष्ट होता है, सूर्य का उदय होता है। प्रत्येक 6 मास की अवधि को एक अयन कहा जाता है। इसी अवधि को उत्तर में जब सूर्य होता है तो उत्तरायण और दक्षिण अवधि को उदय को दक्षिणायन कहा जाता है। उत्तर काल में सूर्य उत्तर की ओर से निकलता हुआ दिखाई देता है और इसमें रात्रि का समय बढ़ता है और दिन का समय घटता जाता है। दक्षिणायन काल में हमें सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट करता है, तो उत्तरायण जब कर्क राशि में संक्रांति कहते हैं उसे दक्षिण नयन के नाम से जाना जाता है। अर्थात दक्षिण काल में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे उत्तरायण कहा जाता है, जब कर्क राशि में संक्रांति करता है तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। अब उत्तरायण में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में प्राप्त होने से इससे अनेक प्रकार से लाभ होते हैं। इसका महत्व दक्षिणायन से अधिक होता है, दक्षिणायन से अधिक इसका महत्व होता है। उत्तरायण का आरंभ मकर संक्रांति के दिन होने से इस दिन को महत्वपूर्ण मानकर पर्व मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका मकर संक्रांति के दिन से ही इसके बाद के दिन बड़े होने आरंभ होते हैं, परंतु आजकल इस दिन से लगभग 22 दिन पहले ही दिन बड़े होने लगते हैं। अब से 83 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1994 में पाया गया था। कब? 83 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1994 में पाया गया था कि मकर संक्रांति से 22 दिन पूर्व धनु के 7 अंश 24 कला पर उत्तरायण होता है। इस परिवर्तन को 1350 वर्ष लगे हैं। ऐसा होने पर भी मकर संक्रांति के दिन ही उत्तरायण को आरंभ मान लिया जाता है। इसका कारण प्राचीन काल से मनाई जाने वाली इस उत्तरायण पर्व प्रथा को सुरक्षित रखना प्रतीत होता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण का पर्व मनाते थे। उत्तरायण इसी दिन आरंभ भी होता था। यह कारण और महत्व इस उत्तरायण पर्व अथवा मकर संक्रांति पर्व मनाने का है क्या है, एक बार हम पूरा पुनः दोहरा लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। जो है पृथ्वी लगा रही है सूर्य का चक्कर, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो काल्पनिक व्रत बनता है, इसे क्रांति व्रत कहा जाता है। इस क्रांति व्रत जो काल्पनिक व्रत है इसको 12 भागों में बांटा है और राशियों के नाम दिए गए हैं, जो कि इसलिए दिए गए हैं इन नामों को क्योंकि ये नक्षत्रों से मिलती जुलती हैं। अब आता है कि जब क्रांति व्रत के एक भाग में सूर्य होता है तो उसे अयन कहा जाता है, उत्तरायन और दक्षिणायन। अब 6-6 मास जब दोनों में रहता है तो उत्तर में जब रहता है तो उत्तरायन, दक्षिण में रहता है दक्षिणायन। अब जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण होता है और कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन माना जाता है। आजकल जो है 22 दिन मकर संक्रांति से पहले जो है ये दिन बड़े होने लग जाते हैं और रातें छोटी होने लग जाती हैं, लेकिन कब से शुरू हुआ है ये? आज से 83 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1994 में पाया गया था इस बात को कि मकर संक्रांति से 22 दिन पूर्व धनु राशि के 7 अंश 24 कला पर ही उत्तरायण आरंभ हो जाता है। इस परिवर्तन को होने में 1350 वर्ष लगे हैं। ऐसा होने पर भी मकर संक्रांति के दिन ही उत्तरायण को आरंभ मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि ये परंपरा सुरक्षित रखनी है, ऐसा प्रतीत होता है। अब आगे, मकर संक्रांति का पर्व मध्य जनवरी मास में मनाया जाता है। इस अवसर पर शीत अपने यौवन पर होती है। इस समय जंगल वन पर्वत सहित नगरों और ग्रामों आदि स्थानों में शीत का आतंक छाया हुआ होता है। ऐसे समय में मनुष्य के हाथ पैर भी सिकुड़ जाते हैं। मकर संक्रांति से पूर्व के दिनों में यह स्थिति होती है कि सूर्य के उदय होते ही वह अस्तांचल के गमन की तैयारियां आरंभ कर देते हैं। ऐसा लगता है कि दिन रात्रि में समा रहा है। रात्रि इतनी लंबी होती है कि कठिनाई से बीतती है होती है। मकर संक्रांति के आने पर रात्रि में वृद्धि अभियान विराम लग जाता है। इसके बाद वह छोटी होती जाती है और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन के समय में वृद्धि होने से मकर संक्रांति के दिवस में आरंभ उत्तरायण काल को देवयान कहा जाता है। इसी काल में महाभारत काल और उसके बाद के ज्ञानी लोग स्वशरीर त्याग करने की इच्छा रखते थे। वह ऐसा मानते थे कि इस समय देह त्यागने से उनकी आत्मा सूर्यलोक से होकर प्रकाश मार्ग से प्रयाण करेगी। आजीवन ब्रह्मचारी विष्णु पितामह ने इसी उत्तरायण के आगमन पर सरसैया पर शयन करते हुए प्राणोत्क्रमण की क्रिया की प्रतीक्षा की थी। ऐसे प्रशस्त समय पर
कोई इसे पर्व बनने से कैसे वंचित कर सकता था। इसी कारण से आर्य जाति के प्राचीन आचार्यों ने मकर संक्रांति और सूर्य की उत्तरायण संक्रमण तिथि को उत्तरायण या मकर संक्रांति का पर्व निर्धारित कर दिया, क्योंकि जो है इसके पहले दिन उदय तो होता है लेकिन लगातार ऐसा लगता है कि रात्रि के अंदर समा रहा है और सूर्य जो है उस मात्रा में आ नहीं पाता, लेकिन जिस रूप में सूर्य का उदय उत्तरायण के बाद होने लगता है इसीलिए इसे प्राचीन आचार्य जो हैं आर्य आचार्य हैं उन्होंने इस दिन को तिथि के रूप में एक पर्व के रूप में मनाना आरंभ किया। इस पर्व को मनाते हुए तिल के अनेक प्रकार के पकवान बनाकर सेवन किया जाता है। वेदों के अनुसार शीत का निवारण करने में खाद्य पदार्थों में तिल का विशेष स्थान होता है। मकर संक्रांति के दिन भारत के सब प्रांतों में तिल और गुड़ और खांड के लड्डू बांटकर दान देते जाते हैं। इन लड्डुओं को इष्ट मित्रों को भी बांटा जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन तिल गुल नामक हलवा बांटने की प्रथा है। सौभाग्यवती स्त्रियां कन्याएं अपनी सखी सहेलियों से मिलकर उनको हल्दी रोली तिल गुड़ भेंट करती हैं। प्राचीन ग्रीक के लोग भी वर वधू को संतान वृद्धि के निमित्त तिलों का पकवान बांटते थे। इससे ज्ञात होता है कि तिलों का प्रयोग प्राचीन काल में विशेष गुणकारक माना जाता रहा है। प्राचीन रोमन लोगों में मकर संक्रांति के दिन अंजीर खजूर शहद अपने इष्ट मित्रों को भेंट करने की रीति थी। यह भी मकर संक्रांति पर्व की वैश्विकता और प्राचीनता का परिचायक है, अर्थात कि भारत में ही नहीं रहा, प्राचीन ग्रीस की जो संस्कृति है उसमें भी वर वधू को संतान वृद्धि के लिए तिलों का पकवान देने के पकवान बढ़ते थे। और इससे ज्ञात होता है कि तिल का बड़ा महत्व पूरी विश्व की संस्कृतियों को इसका भान रहा है, इसके महत्व का भान रहा है। रोम की संस्कृति जो प्राचीन मानी जाती है उसमें भी अंजीर खजूर और शहद संक्रांति के दिन अपने मित्रों को बांटा जाता है, अर्थात संक्रांति का ये पर्व का महत्व वहाँ भी है रहा है उस समय। हमने मकर संक्रांति के पर्व से जुड़ी रोम और प्राचीन रोम और मिस्र की जो संस्कृतियाँ थी, ग्रीक और प्राचीन रोम की संस्कृतियाँ, उनसे जुड़ी बात थी यह कि उनको भी इस बात का भान था संक्रांति पर्व का। अब हमने मकर संक्रांति पर्व से जुड़ी घटना और इसके उपलब्ध स्वरूप पर प्रकाश डाला है। हमने इस लेख की सामग्री श्री पंडित भवानी प्रसाद लिखित आर्य पर्व पद्धति पुस्तक से ली है। मकर संक्रांति वैदिक और आर्य पर्व है। इससे हमारी प्राचीन संस्कृति में पर्वों को प्राकृतिक ज्योतिषीय ऋतु परिवर्तन आदि घटनाओं से जोड़कर मानने की परंपरा का ज्ञान होता है। आज भी मकर संक्रांति का मानना प्रासंगिक है। हमें ज्ञात होता है कि अब रात्रि छोटी और दिन बड़े आरंभ होने हो जाएंगे। शीत का जो आतंक है वह भी मकर संक्रांति पर्व से निरंतर घटता चला जाता है। फाल्गुन के महीने में क्षीण और समाप्त सा हो जाता है। चैत्र का महीना तो अत्यंत सुहावना ही हो जाता है। इस महीने में होली का पर्व मनाना आरंभ हो जाता है और हमें मकर संक्रांति के पर्व पर अपने घरों में वृहद यज्ञ करने चाहिए। इसमें हवन सामग्री में तिल मिलाकर उसकी आहुतियाँ देनी चाहिए। तिल के सभी प्रकार के पकवान बनाकर उसका कुछ दिन सेवन करना चाहिए। वेद प्रचार प्रसार से जुड़ी गुरुकुल आदि संस्थाओं को दान देना चाहिए। आर्य समाजों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्व मनाने के लिए सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसा करके हम मकर संक्रांति पर्व की परंपरा को जारी रखने में सफल होंगे। यह प्रथा चलती रहे, लोग इसके विभिन्न पहलुओं से परिचित होते रहें, तिल आदि के पकवानों का सेवन करते रहें, रोग शीतकाल में शीत से उत्पन्न रोगों से बचे रहें, यही इस पर्व को मनाने की उपयोगिता प्रतीत होती है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।